भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है। अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार गोबर खरीदी से लेकर राम भगवान की मूर्ति बनवाने तक हर योजना और कार्य में भ्रष्टाचार करती आ रही है। अजय चंद्राकर ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पहले इस बात का जवाब दें कि जो 41,000 भर्तियां सरकार ने निकाली है उसकी कब तक भर्ती की जाएगी, कब तक नियुक्ति का आदेश आएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। ऊपर से अब चुनाव सिर पर है, युवाओं को ठगना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गोधन न्याय योजना लागू करके अपना पीठ थपथपा रही है, पर उन्होंने स्वसहायता समूह को बोनस देने का निर्णय लिया। शुरू से नहीं, पिछले साल उन्होंने 19 करोड़ 16 लाख रुपए और इस वर्ष 18 करोड़ 35 लाख रुपए बोनस के लिए रखे। किसको बोनस देंगे, क्या बोनस देंगे, ये स्पष्ट नहीं है। बिना नियम के, बिना निर्देश के माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा से बोनस दिया गया है, और किसको दिया गया, कितना दिया गया, कहां पर दिया गया, किस नियम के तहत दिया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। हमेशा इस बात को बोलते रहा हूं कि ये गाय के नाम पर, पेड़ा ढुलाई के नाम पर गोबर खरीदी के बारे में एक बार हमने और कही, पर राम भगवान की प्रतिमा के लोकार्पण के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। और यदि गोबर खरीदी के बोनस के लिए उन्होंने कोई नियम निर्देश जारी किया है तो उसको तत्कालीन सार्वजनिक करे। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों को दिया गया। जय भाजपा, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी अब PSC के परीक्षा नियंत्रक बन गए। PSC के घोटाले के बाद, व्यापम के घोटाले के बाद, अब उन्होंने युवाओं को ठगने का एक नया सिस्टम जारी किया है। इस PSC जैसी संवैधानिक संस्था के नियम अभी बदले नहीं है। नियम कब बदले जाएंगे ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ और सिर्फ श्री भूपेश बघेल जी जानते हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय जानते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में नंबर कम हो जाएंगे, उसके बाद कहा कि अलग अलग वर्ग की अलग अलग सूची जारी होगी, प्रावीण्य सूची अलग अलग जारी होगी। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ कि 41,000 पदों में जो आपने भर्ती निकाली है वो कौन कौन से विभाग के हैं और क्या क्या उसकी प्रक्रिया है, वो कब तक भर देंगे, ये कार्यवाही पूरी, नियुक्ति आदेश कितने दिन में उनको मिल जाएगा, ये थोड़ा आप स्पष्ट करने का कष्ट करें, क्योंकि चुनाव सामने हैं और चुनाव के समय ठीक है आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन युवाओं के सपनों को अभी भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। जितनी आपने भर्ती करवाई है वो सबके सब संदेह के दायरे में है। आपको जनता माफ नहीं करेगी, आपको छत्तीसगढ़ के नौजवान माफ नहीं करेंगे। आपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ा है। मित्रों, आपके सपने साकार होंगे, इसके लिए नई सरकार लाइए, भाजपा की सरकार बनाइए। जय हिंद, जय भाजपा।